بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने माशाल्लाह अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे सब दोस्त। तो उम्मीद है कि रमज़ान का महीना है, तो आज पंद्रहवां रोज़ा है। तो माशा जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आज तकरीबन हमारे जो चूल्हे का हो गया है तकरीबन तीसरा दिन हो गया है। तीसरे दिन में दोस्तों माशाल्लाह अभी अच्छी क्वालिटी है और अच्छी ग्रोथ है, ये चेक कर सकते हैं आप चूज़ा। माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का चूज़ा है और अच्छी ग्रोथ वाला चूज़ा है और माशाल्लाह ओरिजिनल जो कहते हैं ना ए प्लस क्वालिटी का चूज़ा है, यानी कि ए ग्रेड का चूज़ा है, ठीक है। तो चूज़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा हेल्दी है। आज जैसा कि आपको पता है सब दोस्तों को चूज़ा कि हमारे तकरीबन तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में हमें तकरीबन ये दोस्तों देखे हैं जो छोटा चूज़ा होता है ना, और तकरीबन इसको जो खाने की होती है ना सिस्टम में वह थोड़ा वो होता है, मतलब चूज़ा बड़े जो ऊँचा होता है ना डब्बा उसे खा नहीं सकता। तो करना आपने ये है कि कोशिश कर देनी है, चूल्हे इस तरह हमें बिछाए हुए हैं, इस तरह आपने बिछा देने हैं, तो तीन चार बिछा देने चूल्हे के, इतने आपने चूल्हे उसके मुताबिक आपने बिछा के तो फ्राल की इनको खुली डाल देनी है इस तरह, ठीक है। खुली फ्राल की ये फ़ायदा होगा कि चूज़ा चुकेगा सही और खाएगा वो चूज़ा, कोई भूखा नहीं। याद रखना कि पहले दिन में आपने अगर मतलब इनको कम फ्राल डाली तो चूज़ा आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने इनको तकरीबन सही ग्रोथ करानी है और फीड आपकी फीड की आपने टेंशन नहीं लेनी और फीड की इनको कमी नहीं होने देनी, ठीक है। अगर आपने तकरीबन तीन टाइम इनको फीड देते हैं या दो टाइम देते हैं, लेकिन इनको तकरीबन आपने कोशिश करनी है अगर आपके पास 1000 चूज़ा है आपने एक टाइम 10 किलो फीड लगानी है, ठीक है। एक टाइम 10 किलो फीड लगाएंगे वो अगर आप तीन टाइम में लगाएं, दो टाइम लगाएं, सुबह के टाइम तकरीबन 8 बजे 10 किलो लगा दें, वो आपका तकरीबन पूरा दिन चढ़ जाएगी, यानी कि 4 बजे फिर आप उसको 10 किलो लगा दें तो आपका तकरीबन गुजर जाएगा। अगर तीसरे टाइम तीन टाइम लगानी है फिर आप इसको किया करें, 8 बजे आप 10 किलो लगाएं, फिर उसके बाद आप कोशिश किया करें 1 बजे आप उसको फिर लगा दें, फिर आप उसको रात को फिर लगाएं। रात को ही होगा चूज़ा कोई आपको भूखा नहीं करेगा और इसकी जितनी आप केयर करेंगे, जितनी इसको अच्छी फीड खिलाएंगे, जितनी आप अच्छी क्वालिटी की फीड खिलाएंगे, ये इस्लामाबाद फीड हम दे रहे हैं, नेशनल की फीड है, बड़ी अच्छी फीड है और क्वालिटी की फीड है। फिर आप इतनी ज़्यादा माफी नहीं है, बिल्कुल सारा कुछ बराबर डाला हुआ है ना, तो इस तरह की आपने फीड लेनी है और फीड लेनी है आपने पंजाब वालों से। तो अगर आप मतलब पिंडी इलाके में नहीं रहते हैं, इस्लामाबाद के इलाके में रहते हैं, तो आप इस्लामाबाद वाली फीड लें पंजाब कोटरी वालों से, ठीक है। इनकी मरी रोड में लोकेशन है, आपको पता चल जाएगी। तो ये किन से आप फीड लें, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी की फीड 100% क्वालिटी की फीड ये देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपकी प्राइस है रुपये, इसको हमें तकरीबन आपको पता ही है कितने से रखना है, और बहुत कम मेहनत करेंगे इस पर और बहुत कम खर्चा करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कोशिश करेंगे, हम प्रॉफिट लेके आपको बताएंगे कि आपने तकरीबन 1000 चूज़े से कितनी प्रॉफिट कमाई है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त पूछे थे कि भाई बताएं कि पिछली जो आपने चूज़े सेल किए हैं उसमें आपने कितनी प्रॉफिट कमाई है कितनी। दोस्तों मैंने उसमें आपको पता है 5 चूज़ा डाला था, 5 चूज़े में मैंने तकरीबन 20,000 रुपया मैंने प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 रुपया प्रॉफिट हो गई है। तो ये है कि उसमें दरअसल मैं ये हमने ये किया था ना, तकरीबन चूज़े थोड़े ज़्यादा दिन रख लिए थे, उसके वजह से फीड हमें तकरीबन इनको खिलाए हैं 4 बैग पूरे, ठीक है। तो जिस भाई को और चूज़े चाहिए वो बड़े भी मिल सकते हैं, बड़े हैं हमारे पास तकरीबन समझ लें कि 50 चूज़ा पड़ा हुआ है, वो इस टाइम 200 रुपये पर पीस दे रहे हैं, ठीक है। और मैं खुद रखा था अपने लिए, लेकिन वो अगर किस भाई को चाहिए तो मिल सकता है। तो अगर किस भाई को छोटा चूज़ा चाहिए वो हम दे सकते हैं आपको, तकरीबन इस टाइम हम तकरीबन 50 रुपये पर पीस दे रहे हैं, ब्रूडिंग करा के सारा कुछ मतलब कि करा के तीसरे दिन का चूज़ा है। उसके बाद आपको पता है इनको वैक्सीन वगैरह भी अभी होनी है, 5वें दिन के बाद NDIV+ करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह चैनल को लाइक करें, पास पास इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नया नए हजार से गुजारिश है कि पहले दिन घंटा दबाया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं चौथी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ये दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।